नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवी की, हमारा अतीत के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख चुके हैं, और हम लोग हमारे अतीत फर्स्ट में दो लेक्चर अभी तक खत्म कर चुके हैं, दो चैप्टर। पहला था क्या, कब और कहाँ और कैसे, दूसरा था आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें बात करने वाले हैं आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक नगर, याद रखिए, फिर से बोलूंगा यही कि कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसे एक कहानी की तरह फिर चाहे सुनिए फिर चाहे पढ़िए, क्योंकि ये केवल बेस आपका मजबूत करने के लिए है, ठीक है, जिससे आपको आगे सरलता से समझ आ सके, ठीक है। इसमें ज़्यादा कठिन शब्द कोई भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल शब्दों में लिखी गई है। पुराने भवनों का संरक्षण, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी? दूसरी महिला ने कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरफी सोचने लगी कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता। अब बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है अब, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें यहाँ की नष्ट हो गई पूरी तरह से, ठीक। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। ये सभी नगर आपके पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात राजस्थान हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलेंगे। इस सभी स्थलों से पुरातत्व वेदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मोरे मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ठीक है। नगरों की विशेषता क्या थी इस समय? नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा था जो ये बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को जो था उसे निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। देखिए ये आपका मोहनजोदड़ो, सूत का कोट, ये आपका चंदोदेड़ो, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, गंभीरी वाला, ये हड़प्पा है, राखीगढ़ी और कालीबंगा और राखीगढ़ी, ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में
खास तालाब बनाया गया था यहाँ, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चार कोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक, यह महान स्नानागार। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे इस समय और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे दूर सुदूर सुदूर देश की किस्से, कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, जिनमें बच्चे खेलते होंगे। ये सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बना एक नाला है। ठीक है, ऊपर ये ऊपर एक ये कुआ है आपका। ठीक, बाई ओर ये आपका हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में होते हैं। लिपि ये उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और दाई ओर ये नीचे आपके खिलौने हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नगर और नए शिल्प के बारे में। आओ अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को भी जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाए गए थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन आदि बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इस समय यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बांट और औजार हैं। बांट और फलक है, ये है आपके, ये पत्थर के बांट हैं। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कार्नियर पत्थर के बनाए गए। पत्थरों को काटकर तराश कर मनके बनाए गए। इसके बीच छिद्र किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर
पत्थर के धारदार फलक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ पक्की मिट्टी और फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, उसमें चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ये मूर्ति देख लीजिए, ये मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, या किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, यह हमें यह पता नहीं है। क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं? शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस, पत्थर और संख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। इससे हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। इस समय हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि वे प्यार लकड़ियों से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। समय के इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादर बेत के किनारे आपका धौला वीरा नगर बसा हुआ है। वहां साफ पानी मिलता था,
और जमीन उपजाऊ थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यह मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर बन पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं जैसे बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। ठीक, यहाँ एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 2900 सॉरी 3900 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ है। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। मिस्र, नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पैरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पैरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाएं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किए जाते थे। ठीक है,
ये क्वेश्चन से लगाते रहिए अभ्यास के लिए, ठीक। तो इनमें हम लोगों ने जान लिया है नगर दुर्ग भी देख लिए, शासक वर्ग को देख लिया, लिपि देख लिए, मोहरें देख ली हैं, शिल्पकार देख लिए, धातुएं, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई की सुविधा देख लिए, ठीक। ये सभी आपको देख लेना है। मेहरगढ़ में कपास की खेती के बारे में जाना है, लगभग 7,000 साल पहले हुई। नगरों का आरंभ आपका 4,700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 3,900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास 2,500 साल पहले हुआ, ठीक है। ये है आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस थे। तो ये था आपका आरंभिक नगर। आगे हम लोग बातें करेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ठीक है।